सिवान के ललित बस स्टैंड में पंडाल और मूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि कोविड-19 को लेकर के थोड़ी सी देर के कारण, लेकिन सिवान के कई जगहों पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भले ही पूजा थोड़ी कमोबेश होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से नेताओं की सभा और दौरा चल रहा है, उससे कुछ कम नहीं होगा इस बार का भी दशहरा मेला। आइए दिखाते हैं सिवान के ललित बस स्टैंड से संवाददाता कीर्ति वैभव की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। राजनीतिक पार्टियां चारों तरफ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की रैलियां बढ़ती जा रही हैं। पूरे गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, पूरे वाहनों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो रही हैं। अभी पास में दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो क्या होगा? क्या दुर्गा पूजा पिछले साल की तरह मनेगा? क्या भव्य तरीके से, जैसे दुर्गा पूजा हिंदुओं का महापर्व माना जाता है, इसमें वही चहल पहल होगी? क्या लोग जो हैं वो इस बार दुर्गा पूजा को अच्छे से मनाएंगे? क्या इस पर कोरोना का असर पड़ा है? इसी को लेकर हम मौजूद हैं सिवान के ललित बस स्टैंड में, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंडाल बनाया जा रहा है। अभी कार्य जो है वो प्रगति पे है। हमारे पास पंडाल बनाने वाले के एक सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है अभी लॉकडाउन जब से हुआ है और उसके बाद की स्थिति क्या है। क्या जो दुर्गा पूजा है वो बिल्कुल पिछले साल की तरह भव्य तरीके से मनाया जाएगा? सर, क्या लगता है, दुर्गा पूजा जो है वो पिछले साल की तरह भव्य तरीके से इस साल भी मनेगा? इस साल भी दुर्गा पूजा भव्य तरीके से ही मनेगा, लेकिन इसे फॉलो करते हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, इसके सभी नियम और कानून, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस बार पंडाल बना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की बात ही, इस वर्ष पंडाल का साइज जो होगा उसका छोटा किया गया है। उसके बाद मूर्ति की भी साइज, माँ दुर्गा की प्रतिमा की साइज भी छोटी की गई है। और कोरोना महामारी के चलते अभी मैंने बहुत सी हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति अभी हमारी समिति की अच्छी नहीं है। हम लोग अभी सब सदस्य अपना मिलकर अपना खुद का चंदा लगा के इस बार पूजा का अभी निर्माण कार्य, हम लोग पंडाल का निर्माण कार्य शुरू कराए हैं। आगे अब हम लोग चंदा वसूली करेंगे। और प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष 50% खर्चा होगा और पंडाल का आकार छोटा। कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी? जी हाँ, कमियां तो रहेंगी पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल हमारे यहाँ पंडाल की चौड़ाई लगभग 90 फीट थी और उसकी ऊँचाई लगभग 100 फीट के आसपास थी। इस बार हम लोग के पंडाल की चौड़ाई 50 फीट होगी, 50 से 60 फीट, और हाइट ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 60 फीट के अंदर ही रहेगी। सर, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन तो अभी समाप्ति के कगार पे है, लेकिन बहुत लगभग 6 महीने लॉकडाउन था जिसमें सभी वाहन बंद थे और ये बस स्टैंड है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो चालकों से ही वसूलते होंगे, तो इस बार चंदा में क्या कमी है? ऐसा नहीं है मैम, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि चालक से हैं पैसा लिया जाता है। स्वेच्छा से जो चंदा दे दे या आप दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। और हम लोग आपस में जो 20-25 सदस्य हैं वो बाकी सब हम लोग अपने पॉकेट से लेते हैं। कोरोना का असर तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर चंदा पे तो पड़ेगा ना सर? जी हाँ, वो तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन हम लोग पिछले साल के करीब बजट के अनुसार, पिछले साल हम लोग ने 12-15 लाख रुपये खर्चा किया था, इस बार हम लोग का 6-7 लाख रुपये का होगा। और लॉकडाउन और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग ने विशेष अपना इंतजाम किया है कि जो भी दर्शक श्रद्धालु हमारे माता जी का दर्शन करने आएंगे वो कोरोना में सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, और जो मास्क लगा कर नहीं आएंगे उन्हें हम लोग अपने समिति की तरफ से एक एक मास्क देने का निर्णय किया है हम लोगों ने कि मास्क लगा कर ही माता जी का दर्शन करें। सर, एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो रही हैं, वहां पूरा गाजे बाजे के साथ रैलियां हो रही हैं, पूरा डीजे बज रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो किसी भी पूजा पाठ हो, अभी कुछ दिन पहले
मुस्लिमों का एक त्यौहार था, उसमें भी ये था कि डीजे नहीं बजाना है, तो क्या लगता है? मैम, शुरू से ही चूँकि मैं अनुमंडल शांति समिति का मेंबर भी हूँ, उसमें हम लोग निर्णय लेते हैं डीजे नहीं बजता, वो साउंड सिस्टम का रहता है, साउंड सिस्टम बजता है, जो यहाँ भी बजेगा, यहाँ भी साउंड सिस्टम का व्यवस्था किया गया है, प्रत्येक साल के बाद 30 साल भी रहेगा। सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति है सर? जी हाँ, सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति। तो आपके अनुसार जो आपका बजट है वो बिल्कुल 50% हो चुका है? 50% बजट हो चुका है, और जितनी भी तैयारियां हो रही है वो 50% को मद्देनजर रखते हुए ही हो रही है? जी हाँ जी हाँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए 50% में ही अपना बजट। तो कहीं ना कहीं इस बार जो दुर्गा पूजा है उसमें 50% ही लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे? ये तो मैम उस समय मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी बाजार में भीड़ भाड़ हो रही है, चूँकि 6-7 महीने से सभी लोग अपने घर में हैं, दुर्गा पूजा आएगा तो वो स्वाभाविक सी है कि वो अपने घर से निकलेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो ये ऑर्डर है ना सर कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं करना है, मेला नहीं लगाना? सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश का ख्याल में रखते हुए हम लोग अपने पंडाल में उस तरह का व्यवस्था बनाए हैं। अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रवेश द्वार है उसका चौड़ाई लगभग 15 से 20 फीट है, 15 फीट चौड़ाई है प्रवेश द्वार। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्य करा रहे हैं, बाकी जैसा सरकार का दिशा निर्देश आएगा उसका हम लोग अनुपालन। सर, आप प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? मैडम, प्रशासन से यही मांग करेंगे कि साफ सफाई हमारे बस स्टैंड के लिए, बाकी प्रशासन अपना हर साल की अपेक्षा हम लोग के साथ पहला खा रहता है और यथासंभव प्रयास रहता है प्रशासन को किसी प्रकार की पूजा मिलाएगा। ये इस बात को हमारे डीएम साहब भी नए हैं और सदर एसडीओ साहब भी नए हैं, पूर्व में डीएम साहब का सदर एसडीओ साहब हम लोग को काफ़ी ध्यान में रखते थे, यहाँ प्रशासन का महिला पुलिस किसी प्रकार के कोई पत्र नहीं। सर, हर बार हर साल दशहरे में जो पंडाल बनता है, जो मूर्ति बनती है, उसकी रैंकिंग की जाती है, तब बहुत से साल 2-3 साल लगातार जो सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति ललित बस स्टैंड है ये नंबर 1 पे रहा है, पंडाल की हाइट को ले लें या फिर जो भव्य पंडाल जो बनता है, मूर्ति जो बनती है उसको ले लेंगे, तो क्या इस बार भी रैंकिंग होगी? तो क्या लगता है आपको कि जो ललित बस स्टैंड का जो पंडाल है या फिर जो मूर्ति है वो रैंक पे आएगी? मैम, हम लोग रैंक के लिए ये काम नहीं करते हैं, लोग कि साल में पूजा हम लोग आपस में मिल के सभी लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से ही ये इतना बड़ा पूजा होता है, तो रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। आना होगा तो आएगा, हम लोग का जो काम है वो काम कर रहे हैं, पूजा कराना है, अच्छे से कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब तक आपने देखा कि ललित बस स्टैंड का जो बजट है वो बिल्कुल 50% हो चुका है। पहले जो 15 से 17 लाख रुपए जो खर्च होते थे पंडाल बनाने में, मूर्ति बनाने में या फिर पूरा दुर्गा पूजा मनाने में, वो कहीं ना कहीं घट के 6 से 7 लाख रुपए हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना का असर कुछ तो पड़ा है, दुर्गा पूजा में पड़ेगा भी। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या हो